जहां भी तुम दुख पाओ समझना कि कहीं कुछ भूल हो रही, क्योंकि गहरे में तो सुखी होगा, क्योंकि गहरे में परमात्मा है। हर घटना के पीछे छिपा है वही। तो ऊपर ऊपर से निर्णय मत ले लेना, भीतर जाना। जीवन के अतिरिक्त तो और कोई परमात्मा नहीं है। और जीवन की निंदा जिसने की उसके मंदिर के द्वार सदा के लिए बंद हो गए। फिर वो भटके काशी काबा कैलाश, उसके मंदिर के द्वार बंद हो गए। फिर वो करे सत्संग, सुने रामायण गीता वेद, करे पाठ, कुछ भी न होगा। जीवन पास था, वो शब्दों में खो गए। जीवन यहां था, वो वहां दूर भटकने लगा। लाओत्से कहता है, मेरे उपदेश समझने में आसान है, और आसान क्या हो सकती है बात। सीधे सीधे और साधने में भी आसान, क्योंकि जब बात ही सीधी साधी है, तुम्हें कोई जीवन सिखाना पड़ेगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि मुल्ला नसुद्दीन पकड़ लिया गया मछली मारते, एक ऐसे तालाब पर जहां मछली मारना वर्जित था। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तख्ती दिखाई नहीं पड़ती कि हाँ मछली मारना वर्जित है, ये सम्राट का अपना तालाब है, इस पर कोई मछली नहीं मार सकता। नसुद्दीन ने कहा, मछली मार कौन रहा है? लेकिन उसकी बंसी में फंसी एक मछली तड़फ रही थी। तो उन्होंने कहा, फिर ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि मछली को तैरना सिखा रहा हूं। तुम्हें जीवन सिखाना ऐसा ही है जैसे मछली को कोई तैरना सिखाए। सिखाना क्या है? जीवन तो है ही, तुम क्या सीखने के लिए भटक रहे फिर रहे? और तुम सीखने के लिए भटकते हो तो कोई ना कोई चालबाज मिल जाता है जो सिखाने लगता है। तुम मानते ही नहीं, तुम कहते हो सीखेंगे। मछली तैरने की सीखने की आकांक्षा करती, कोई ना कोई नसरुद्दीन मिल जाएगा जो तैरना सिखा दे। जीवित तुम हो, सब तुम्हारे पास है। और लाओत्से का कोई और उपदेश तो नहीं है, जीवन ही उपदेश है। इसलिए वो कहता है कि मेरे उपदेश समझने में आसान और मेरे उपदेश साधने में आसान है। साधना क्या है? लेकिन तब दूसरे दो वचन तुम्हें बड़े हैरानी के लगेंगे और बड़े सच, लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उन्हें साध सकता है। पहली बात समझ में आती कि जीवन ही अगर उपदेश है तो सरल है, न कोई योग करना है, न कोई शीर्षासन करने हैं, न कोई नौली धोती करनी है, न कोई उल्टा सीधा जीवन को करना है, न कुछ त्यागना है, न कुछ छोड़ना है, जीना है। जहां हो जैसे हो उसे ही परमात्मा का आशीर्वाद मान के चुपचाप जी लेना है। उसी आशीर्वाद के भाव से प्रार्थना का जन्म होगा, उसी आशीर्वाद के भाव में गहराई उतरेगी, अथाय का प्रारंभ होगा। लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है, क्योंकि तुम जिस बुद्धि से समझने की कोशिश करते हो वही तो ना समझी है। इसलिए लाओत्से कहता है, समझने में आसान लेकिन कोई उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि समझने की कोशिश बुद्धि की है और जीवन बुद्धि से ज्यादा गहरा है। जीवन को जी सकते हो, समझोगे कैसे? प्रेम में उतर सकते हो, प्रेम को समझोगे कैसे? सौंदर्य को पी सकते हो, समझोगे कैसे? क्या है सौंदर्य? सौंदर्य पर हजारों शास्त्र लिखे गए,
अब तक कोई सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर पाया कि क्या है सौंदर्य। जिन्होंने भी व्याख्याएं की हैं वो सब हार गए, थक गए। तो और ये भी नहीं कह सकते कि सौंदर्य नहीं है, इसलिए व्याख्या किसकी करें, सौंदर्य तो है सब तरफ है, सौंदर्य से भरा है अस्तित्व। तो ये तो कह नहीं सकते कि सौंदर्य नहीं है, लेकिन क्या है सौंदर्य, कैसे कहो, कैसे परिभाषा बनाओ, शब्द में कैसे समझाओ, सौंदर्य का शास्त्र नहीं बन पाता। सौंदर्य है भरपूर और शास्त्र नहीं बन पाता। तो लाओस से कहता है समझने में आसान, लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उन्हें साध सकता है। समझने की बात ही नहीं है, यही तो समझना है, बात जीने की है। कबीर ने कहा है लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कोई लिखा लिखी की होती समझ लेते, पढ़ लेते, तो ये देखा देखी बात देखने की है। सौंदर्य देख सकते हो, समझ नहीं सकते। सौंदर्य को अनुभव कर सकते हो, समझ नहीं सकते। अनुभव संपूर्ण का होता है, समझ बुद्धि की होती, समझ तो सिर्फ विचार की होती है। अनुभव तन प्राण सबका होता है, इकट्ठे का होता है, रोआ रोआ उसमें सम्मिलित होता है। जब फूल को तुम खिलते देखते हो, सौंदर्य की प्रतीति होती, तो क्या प्रतीति खोपड़ी नहीं होती? रोए रोए पे छा जाता है फूल, उसके खिलने में तुम भी कहीं भीतर खिल जाते हो, उसके साथ एक रास बन जाता है, एक रंग बन जाता है, आंख कान सब तरफ से प्रवेश कर जाता है, बुद्धि को भी उसका अंश मिलता है, पर अंश ही मिलता है, समग्र शरीर पर व्याप्त हो जाता है, समग्र आत्मा पर फैल जाता है। समझ तो केवल बुद्धि की है, शब्दों की है, अनुभव जीवन का है। इसलिए लाओस से कहता है समझने में आसान, लेकिन कोई समझ ना पाएगा, और साधने में आसान, लेकिन कोई साध ना सकेगा। जीवन को कोई साध सकता है? जो मिला ही हुआ है उसे साधोगे कैसे? साधना तो उसे पड़ता है जिसे हम लेके नहीं आते, सीखना तो उसे पड़ता है जो हमारा स्वभाव नहीं। सीखने का अर्थ ही होता है प्रभाव। एक बच्चा पैदा होता है, उसे हम जो जो बातें सिखाते हैं वो उसके स्वभाव में नहीं है। अगर हम ना सिखाते तो वो कभी अपने आप पैदा ना होती, लेकिन कुछ बातें अपने आप पैदा हो जाती, वो उसका स्वभाव है। बच्चा जवान होता और प्रेम की आकांक्षा उठती, बच्चा जवान होता और प्रेम की पुकार उठती। क्या तुम सोचते हो अगर एक बच्चे को ऐसा बड़ा किया जाए कि उसे पता ही ना चले कि प्रेम जैसी कोई घटना होती, कोई प्रेम का शास्त्र उसके पास ना आने दिया जाए, वात्सायन की कोई खबर उसे ना मिले, खजुराहो कोणार्क के मंदिर देखने को ना मिले, किसी पुरुष को कभी किसी स्त्री के प्रेम में पड़े होने की खबर उसे ना मिले, हम उसे ठेठ जंगल में पाल सकते हैं, छिपा के रख सकते हैं, लेकिन एक घड़ी आएगी जब उसके भीतर प्रेम का उदय होगा, तब न वात्सायन की जरूरत होगी, न खजुराहो की जरूरत होगी। उसने शायद अपने जीवन में कोई स्त्री न भी देखी हो तो भी उसके सपनों में स्त्री की छाया पड़ने लगेगी। उसे रूप भी स्त्री का पता ना हो पर रूप की प्यास उठने लगेगी। उसे कुछ भी कभी ना समझाया गया हो कि क्या है प्रेम, क्या है काम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वभाव है, वो जागेगा। पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को कौन सिखा रहा है? कहां है विश्वविद्यालय जहां पशु पक्षियों और पौधों को प्रेम सिखाया जा रहा है?
स्वभाव से उठती है बात, और जीवन तुम्हारा स्वभाव है। साधना क्या है? साधना उन चीजों को पढ़ता है जो स्वभाव नहीं। हां, इस बच्चे को भाषा नहीं आएगी अगर न सिखाई गई तो, ये गणित नहीं सीख लेगा, ये तर्कशास्त्र नहीं सीख पाएगा अगर न सिखाया गया। ये बच्चा सभ्य नहीं हो सकेगा अगर न सिखाया गया, इसे सभ्यता का कोई पता ना होगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ बच्चों को भेड़ियों ने पाल लिया है, छोटे बच्चों को उठा ले गए। ऐसी तीन घटनाएं इस सदी में ही घटी। अभी कुछ वर्ष पहले एक बच्चे को लखनऊ के पास पकड़ा गया जो भेड़ियों ने पाला था। वो भेड़ियों जैसा चलता था, आदमियों जैसा चलता भी नहीं था, दो पैर पे भी खड़ा नहीं होता था। शायद वो भी हम सिखाते। बच्चा अपने आप अगर छोड़ दिया जाए तो शायद चारों हाथ पैर से चलेगा, क्योंकि वही सुगम है। दो पैर पे खड़ा होना तो बड़ा हठ योग है बच्चे के लिए, धीरे धीरे अभ्यास होने से खड़ा हो जाता। कोई भाषा नहीं बोलता था, क्योंकि भाषा कैसे सीखता। लेकिन एक बात अनुभव की गई उस बच्चे में कि अगर वो अशांत होता और कोई प्रेमपूर्ण स्त्री उसके ऊपर हाथ फेर देती तो वो शांत हो जाता। वो जो स्त्री का स्पर्श, वो उसे शांत करता, उसे मां का स्पर्श बन जाता होगा। उसे कभी मां का स्पर्श याद भी नहीं, प्रेम की आकांक्षा उसमें भी थी, लेकिन और उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल जंगली जानवर था, मांस कच्चा खाता था। 6 महीने लग गए उसे भोजन खिलाने में, सिखाने में। 6 महीने लग गए उसको किसी तरह खड़ा करने में। 6 महीने में वो मर भी गया, और मेरा अपना ख्याल है कि उसको सिखाने की ये जो चेष्टा की गई इसमें वो मर गया, अन्यथा वो बड़ा स्वस्थ था जब आया था, क्योंकि उसके ऊपर ये भारी हो गया। 12 साल का बच्चा था, उसको ये सिखाना बहुत भारी हो गया, ये इतना ज्यादा तकलीफ देह हो गया कि वो मर गया। जैसे जैसे सिखाया वैसे दुर्बल होता गया। जीवन को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, जीवन कोई सभ्यता थोड़ी है, जीवन कोई शिक्षण थोड़ी है, जीवन तो तुम हो। तो जीवन को जानने के लिए तो तुमने जो सीख लिया है उसको थोड़ा अनसीखा करना ही हितकर होता है, ताकि तुम थोड़े मुक्त हो सको बंधनों से, ताकि तुम थोड़े अपने चारों तरफ की दीवार को तोड़ के बाहर आ सको। तो लाओस से अगर कुछ भी कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि तुमने जितना सीख लिया है वो जरूरत से ज्यादा है, काम चलाओ को बचा लो, बाकी को छोड़ दो, या जो तुम बचाओ उसको भी बाहर बाहर रखो, भीतर मत ले जाओ, उसे तुम्हारे प्राणों को आक्रांत मत करने दो। जीवन को सिखाना नहीं है, जीवन तुम हो। इसलिए लाओस से कहता है न कोई उसे साध सकता है, समझने में आसान और कोई समझ नहीं सकता, और जब तक तुम समझने की कोशिश करोगे तुम वंचित रहो समझने से। साधने में आसान और कोई साध नहीं सकता, जीवन को साधने की कोशिश मत करना, जीवन को तुम्हारे साधने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंगड़ा नहीं है कि उसे शिक्षा की वैसाखियां चाहिए, जीवन के पास अपने पंख हैं, अपने पैर हैं। तुम सिर्फ जीवन को खुला मुक्त छोड़ देना और तुम पाओगे कि जीवन चलने लगा अपने आप। जीवन के पास परमात्मा की ऊर्जा है, ये पूरा अस्तित्व उसे साथ दे रहा है। जीवन पंगु नहीं और न जीवन कमजोर है, जीवन के पास बड़ी ऊर्जा है। तुम सिर्फ एक मौका देना कि तुम बाधा मत डालना और जीवन चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा और जीवन उड़ने भी लगेगा।
कोई आकाश इतना बड़ा नहीं जहां जीवन उड़ ना सके। बड़े से बड़े आकाश को छोटा सा आंगन बना लेगा। लेकिन साधने की कोशिश तुमने की कि चूक जाओगे, समझने की कोशिश की कि नासमझी पैदा होगी। इसलिए तो पंडितों से ज्यादा अज्ञानी और नासमझ खोजना मुश्किल। साधने की कोशिश की कि तुम भटक जाओगे, क्योंकि तुम जो भी करोगे वो तुम करोगे, तुम्हारी बुद्धि करेगी जो कि बहुत छोटी है, और उस पर करेगी जो बहुत बड़ा है। अंश अंशी को साधने लगे, खंड अखंड को साधने लगे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। एक ही साधना है कि तुम खंड का आग्रह छोड़ दो, तुम खंड को अखंड में डुबा दो, तुम बूंद को सागर में गिरा दो, फिर सागर ही संभाल लेगा। तुम ये मत पूछो कि फिर बूंद का क्या होगा, फिर बूंद कहां जाएगी, भटक तो ना जाएगी। तुम बूंद को बचाओ मत और सागर को सिखाने की कोशिश मत करो और सागर को बांधने की चेष्टा मत करो, सागर को साधने की चेष्टा मत करो। अगर लाओस्य को ठीक से समझो तो कोई साधना नहीं है। इसलिए लाओस्य ने किसी योग की विधियों की कोई बात नहीं की, न कोई पद्धतियां, न कोई मार्ग। साधना ही नहीं है। लाओ से ये कह रहा है कि तुम्हें मिला है उसे भोगो, तुम्हें मिला है उसे जियो, तुम जीने में कृपणता कर रहे हो, तुम जीने तक में कंजूस हो, तुम सांस तक डरे डरे लेते हो। कोई आदमी पूरी सांस नहीं लेता। फेफड़ों में वैज्ञानिक कहते हैं 6000 छिद्र, और स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी जो सांस लेता है वो केवल 2000 छिद्रों तक जाती, 4000 छिद्र तो बिना उपयोग के पड़े रहते। तुम सांस तक पूरी नहीं ले रहे, कैसे घबराए हुए, और सांस लेने में क्या तुम्हारा खो रहा है। लेकिन सांस के साथ आता है जीवन, सांस के साथ आती है ऊर्जा, और ऊर्जा का भय। छोटे बच्चे पूरी सांस लेते, कभी छोटे बच्चे को लेटा हुआ देखो जब वो सो रहा हो तो उसकी छाती नहीं उठती, उसका पेट ऊपर उठता है, वो सांस का पूरा ढंग है, क्योंकि तब सांस पेट तक जा रही, नाभि तक जा रही, गहरे से गहरे छिद्रों तक फेफड़े में सांस जा रही। इसलिए छोटे बच्चे के जीवन में जो तरलता होती वो तुम्हारे जीवन में खो जाती, उसके जीवन में जो कोमलता होती वो तुम्हारे जीवन में खो जाती, छोटे बच्चे में जो ताजगी होती वो तुम्हारे जीवन में खो जाती। फिर छोटा बच्चा क्यों ऐसी गहरी सांस लेना बंद कर देता है, तुम जरा बच्चों को ध्यान करो। अगर तुमने बच्चे को कभी डांटा तत्क्षण तुम पाओगे उसकी सांस धीमी हो जाती और गहरी नहीं जाती, वो घबरा गया। क्योंकि जब भी तुम डांटते हो तभी तुम ये कह रहे हो कि तुम गलत हो, और जीवन में जब भी कोई गलत चीज मालूम पड़ती तो जीवन सिकुड़ता है। तुमने कहा ऐसा मत करना तो तुमने एक द्वार बंद कर दिया जीवन का, तुमने कहा बाहर मत जाना तुमने दूसरा द्वार बंद कर दिया, तुमने कहा अंधेरे में निकलना मत तुमने तीसरा द्वार बंद कर दिया, तुमने कहा इतना शोरगुल मत करो तुम द्वार बंद करते जा रहे हो। बच्चा सांस कैसे ले, क्योंकि सांस तो ऊर्जा पैदा करेगा, ऊर्जा पैदा होगी तो बच्चा दौड़ेगा, अंधेरे को भी जानना चाहेगा, समुद्र में भी उतरना चाहेगा, वृक्ष पे भी चढ़ना चाहेगा। इसलिए अब एक ही उपाय है कि बच्चा ऊर्जा पैदा ना होने दे, कमजोर हो जाए, खुद ही पेड़ पे चढ़ने में डरने लगे तो तुम्हें डराने की जरूरत ना रहे। तुम्हारे नियमों के कारण बच्चा अपने को कमजोर कर लेता है। अगर तुम्हारे नियम ना हो तो हर बच्चा वृक्षों पर चढ़ेगा, हर बच्चा नदियों में तैरेगा, हर बच्चा पहाड़ की यात्रा पर जाएगा और जीवन के सभी अभियान करेगा। अगर तुम्हारे निषेध नियम ना हो तो बच्चा वो सब जानना चाहेगा जो जीवन जानना चाहता है, जो उसका भीतर का जीवन कहेगा जानो वो जानेगा, बुरे को भी जानेगा, क्योंकि वो भी जीवन का आयाम है।
भले को भी जानेगा क्योंकि वो भी जीवन का आयाम है। क्रोध भी करेगा, करुणा भी करेगा, हंसेगा भी, रोएगा भी, वो जीवन के सब आयाम को अनुभव करेगा। और तब तुम पाओगे उसकी श्वास पूरे 6000 छिद्रों तक जाती। तब उसके पास एक जीवन होगा जो ऊपर से बह रहा है, भरा पूरा जीवन होगा। लेकिन सभ्यता ने बहुत विषाक्त कर दिया है। इधर जो लोग भी गहन ध्यान में उतरना शुरू होते हैं, और विशेषकर सक्रिय ध्यान में जिसमें श्वास का बड़ा प्रयोग है, वो मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी अजीब अजीब बातें श्वास की चोट से उठनी शुरू हो रही, कि कभी इतना क्रोध अनुभव नहीं किया था, क्रोध अनुभव हो रहा है और कोई कारण नहीं है, और कभी इतनी उदासी नहीं थी, उदासी अनुभव हो रही और कोई कारण नहीं है। वो दबी हुई जो श्वास कम लेके जिनको दबा दिया था, वो सब वृत्तियां वापस उठनी शुरू हो जाती। डायाफ्राम के पास तुम्हारे सब दबे हुए मनोवेग पड़े, उन पर जैसे ही चोट लगती वो सब जगने शुरू हो जाते। घबराहट होती कि कहीं पागल तो ना हो जाएंगे। हद आश्चर्य है कि जीवन को सिकोड़ के तुम स्वस्थ बने हो, और जीवन को फैलाते ही पागल होने का डर पैदा होता है। तुम्हें इतना डरा दिया गया है, तुम्हें समझाया ही ये गया है कि तुम मरे मरे जीना, क्योंकि तुम अगर प्रगाढ़ता से जियोगे तो बुराई भी आएगी। और तुम्हें संस्कृत होना है, सभ्य होना है, सज्जन होना है, साधु बनना है। असाधु को काट कर तुम्हारा आधा जीवन काट दिया गया है। अगर परमात्मा भी असाधुता को काट दे संसार से, तो परमात्मा भी तुम जैसा ही रुग्ण खोजता फिरेगा किसी गुरु को, कि जीवन को कैसे सीखें, जीवन को कैसे साधें। जीवन में बुराई भलाई का अनिवार्य अंग है, अंधेरा प्रकाश के साथ साथ है, मृत्यु जीवन का अंग है। लाओ से कहता है, ना तो तुम साध सकोगे ना तुम समझ सकोगे, यद्यपि बात समझने में आसान है और साधने में भी, क्योंकि मेरे शब्दों में एक सिद्धांत है। वो क्या है सिद्धांत लाओ से का, उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार है जीवन को तुम बेसर्त स्वीकार करो। बेसर्त शब्द स्मरण रखो, जीवन पर कोई शर्त मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सब शर्तें जीवन को काटेंगी। जीवन को निषेध मत दो, जीवन को विधेय बनाओ। द्वार बंद मत करो, सब बंद द्वार खोल दो। जीवन अपने आप में परिपूर्ण है, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुम उसमें सुधार करना बंद करो, सुधार करने से ही तुमने उसमें बिगाड़ कर दिया है। सुधार सुधार के ही तुमने जहर डाल दिया है। लाओस्य का मूल सिद्धांत है जीवन को बेसर्त स्वीकार करो। डरो मत, कुछ भी खोने को नहीं है। डरोगे तो भी मरोगे, तो भी सब खो जाएगा जो तुम्हारे पास। जी लो अभय से, परिपूर्ण अभय से। लेकिन तुम्हारे भीतर जब मैं ये कह रहा हूं तब भी मैं जानता हूं बेचैनी आ गई होगी। अभय से जी लो, फिर पाप का क्या होगा? अभय से जी लो, फिर बुराई का क्या होगा? अभय से जी लो, फिर नियम शास्त्र समाज सभ्यता संस्कृति इसका क्या होगा? और बड़े आश्चर्य की तो बात यह है कि अगर तुम अभय से जियो तो पाप धीरे धीरे परमात्मा में लीन हो जाता है। निषेध तुम करो ही मत तो निषेध करने को कुछ बचता ही नहीं, सभी विधेय हो जाता है। तुम अचानक पाते हो कि जगत एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है, जिसमें बुराई का भी अपना स्थान है, जिसमें बुराई वर्जित नहीं है वरन भलाई में स्वाद डालती। बुराई नमक है जिसके बिना भलाई बेस्वाद हो जाती।
तुम थोड़ा सोचो, एक आदमी जो क्रोध कर ही ना सकता हो, उसकी करुणा में कितनी गहराई होगी, छिछली होगी, उथली होगी, उसकी करुणा नपुंसक होगी, उसमें बल ना होगा। जो आदमी क्रोध कर सकता हो, जिसने क्रोध पे कोई निषेध ना लगाया हो, बल्कि जिसने क्रोध को जिया हो और जीकर ही क्रोध करुणा बन गया हो, जितना क्रोध को जाना हो उतनी करुणा उपजने लगी हो, जितने अपने भीतर की हिंसा को पहचाना हो उतनी ही भीतर की अहिंसा जगने लगी हो, उसके करुणा में एक गहराई होगी, अतल गहराई होगी। वो गहराई क्रोध के कारण आ रही है। जिस आदमी ने काम वासना जानी ही नहीं, उसके ब्रह्मचरी में क्या होगा? उसकी ब्रह्मचरी को तुम नपुंसकता से ज्यादा और क्या नाम दे सकोगे? और नपुंसक ब्रह्मचरी कोई ब्रह्मचरी है? लेकिन जिसने वासना का उभार जाना, जिसने वासना का ज्वार जाना, जिसने वासना को जिया, उसके अनंत अनंत रूपों में पहचाना, उस पहचान, उस स्वाद, उस अनुभव से ब्रह्मचरी का जन्म होगा। तो ब्रह्मचरी एक शिखर होगा जो घाटियों को पार कर गया, जिसने अंधेरी घाटियां छोड़ दी, जो अंधेरी घाटियों के ऊपर उठ गया, उस ब्रह्मचरी का रस और रहस्य और ऊर्जा और जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि सभी बुराइयां अंततः भली हो जाती। जो बेसर्त जीता है उसे शुरू में तो कठिनाई होगी, क्योंकि चारों तरफ समाज है, चारों तरफ निषेध लिए हुए लोग, चारों तरफ अदालतें, नरक स्वर्ग सब खड़े, पंडित पुजारी पुरोहित सब मुर्दा, लेकिन तुम्हें भी मुर्दा बनाने को उत्सुक। स्वाभाविक है ये, क्योंकि जो खुद भी नहीं जी रहा है वो दूसरे को जीने न देगा। जो खुद जीने से वंचित रह गया है उसकी ईर्ष्या भयंकर होती, तुम्हारे साधु सन्यासी तुम्हें जीने न देंगे, क्योंकि वे मर रहे हैं, उन्होंने अपने को काट डाला है, उन्होंने अपनी जड़ें तोड़ ली, वे चाहेंगे कि तुम भी अपनी जड़ें तोड़ लो। उनकी ईर्ष्या भयंकर, और उनकी ईर्ष्या धर्म के आवरण में छिपी, इसलिए तुम पहचान भी ना सकोगे। उनकी ईर्ष्या निंदा बन गई, उनकी ईर्ष्या ने तुम्हारे लिए नरकों का इंतजाम किया है। जो व्यक्ति भी जी नहीं पा रहा है ठीक से, वो दूसरे को भी जीने नहीं देगा। तुम मुस्कुराओगे तो उसे पीड़ा होगी, वो तुम्हारे मुस्कुराहट पर भी जहर डाल देगा और कहेगा कि ये पाप है। तुम नाचोगे तो उसे पीड़ा होगी, क्योंकि वो लंगड़ा है, उसके हाथ पर उसने खुद ही काट डाले। वो तुम्हारे उत्सव को मिटा डालना चाहेगा, वो सारे जगत को उदासी और मरघट से भर देना चाहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन को बेसर्त जिया है वो दूसरों को भी मुक्त करेगा, और उसे ही मैं सदगुरु कहता हूं, जिसने जीवन को जिया है और जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या से नहीं भरा है, क्योंकि भरने का कोई कारण ही नहीं है, जो तुम्हारे प्रति करुणा से भरा है। जिसने जीवन को जिया है वो तुम्हें भी जीवन को जीने में सहारा देगा, वो तुम्हें काटेगा नहीं, जोड़ेगा, वो तुम्हारी पंगुता को मिटाएगा, तुम्हारे पक्षाघात को पिघलाएगा, वो तुम्हें फिर से जीवन देना चाहेगा। जिसने महाजीवन को जाना है वही केवल तुम्हें जीवन देने को सुख हो सकता है, लेकिन जो खुद अपने को मार रहे हैं, आत्मघाती हैं, वे तुम्हें भी मार डालना चाहेंगे, और उनका जाल बड़ा है, और उनका जाल बड़ा पुराना है, और उनके जाल के बाहर आना बड़ा ही मुश्किल। इसलिए लाओस से कहता है, उपदेश सुनने में मेरे आसान, साधने में भी, लेकिन तुम सुन ना सकोगे, समझ भी ना सकोगे, साध भी ना सकोगे, क्योंकि चारों तरफ जो जाल है वो उसके विपरीत है, जीवन के विरोध में खड़ा है सारा जाल। इसलिए तुम्हें अपने जीवन की हिम्मत खुद ही जुटानी पड़ेगी, साहस, पहले कदम पर बड़े साहस की जरूरत है, कि जो होगा होगा, और जो जीवन जाना ही है वो ठीक है, निंदा होगी होगी, तुम निंदा को सह लेना,
लेकिन जीवन को मत काटना। सारी दुनिया तुम्हें पापी कहे तो तुम सुन लेना, लेकिन तुम जीवन को काटने का पाप मत करना।